हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूबर सत्येंद्र एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। ये देख रही थी आज मैं पहुंची हूं डेंटल क्लिनिक में। बताया था कि मेरे दांतों में प्रॉब्लम है और मैं दांतों को ठीक कराने आ गया हूं। आइए देखते हैं, अब डॉक्टर से मिलते हैं और जानते हैं दांतों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। ये कोतमा का क्लिनिक है दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, ये पूरा तकनीक व्यवस्था है और ये सामने मेडिकल है दोस्तों, ये गौतम मेडिकल है। ये देख लीजिए, यहाँ से सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती है। अब हम पहुँच चुके हैं दोस्तों क्लिनिक पे। ये देख लीजिए, हमारे सामने बैठे हुए हैं डॉक्टर विपिन मौर्या जी। और हमसे मैं हमेशा दांतों के प्रॉब्लम से जूझ रहा था और हमेशा के लिए मेरे से लोग बात पूछते हैं कि भैया आप जाते हो क्लिनिक तो कम से कम पूछ के आओ, हमें दांत लगवानी है, दांत में कितना खर्चा आता है। और डॉक्टर हमारे सामने बैठे विपिन मौर्या जी और हम जानेंगे हमारे नाना जी का जो दांत है वो चार दांत खराब हो चुके हैं। वो बोल रहा था कि पूछ के आना तो हम दांत लगवा लेंगे। और यहाँ पर सारी दांतों का सारी समस्या का इलाज किया जाता है। ये कोतमा में मुखर्जी चौक पर इनका क्लिनिक स्थित है। आप आएँ और यहाँ इलाज के लिए अच्छी तकनीकी व्यवस्था, इलाज अच्छी से अच्छी की जाती है हर एक जगह से कोतमा में, जिस हिसाब से सिटी है देखा जाए तो आइए जानते हैं दांतों की कीमत क्या है, CRT या CTR क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। सारी व्यवस्था उपलब्ध है। तो सर जी बताइए, दांतों का जिस चार दांत हमें नाना जी लगवाने वाले हैं तो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। चार दांत लगवाएंगे, दांत की किस्म क्या है? दांत दो तीन तरीके के दांत आते हैं जी। एक निकालने बाहर करने वाले दांत होते हैं, जैसे आप रोज आप निकाल के वॉश कर सकते हैं, दोबारा लगा सकते हैं। दांत फिक्स वाले आते हैं, उसमें मतलब आजू बाजू दांतों को सपोर्ट लेके उसे फिक्स किया जाता है, इसे ब्रिज कहा जाता है। PD फिक्स पार्सल डेंचर। और तीसरा तकनीक आता है इम्प्लांट के थ्रू, उसमें स्क्रू डाला जाता है, स्क्रू के ऊपर से दांत लगाया जाता है जी। तो पहला दांत का मतलब खर्चा क्या है? तो पहला जो निकालने बाहर करने वाले दांत आते हैं उसमें फ्लैट का होता है 500 रुपये और पर टीथ 300 रुपीज का खर्चा जी। मतलब ये फिक्स पार्सल डेंचर है, ये पर यूनिट मेटल है। मेटल एक दांत होता है, मतलब वो स्टील कलर का होता है, एक सिरेमिक है वाइट कलर में आता है। अगर मेटल को करवाएंगे तो आजू बाजू ब्रिज दे के पर यूनिट का 1000 रुपीज आता है और सिरेमिक का 1500 रुपये खर्चा आता है जी। तो जैसे हमारे नाना जी बोला था कुछ ऐसे दांत तो ना नहीं लगा देंगे कि हड्डी वगैरह टाइप का, तो दांत ओरिजिनल दांत का कुछ बताइए। नहीं नहीं, नहीं हड्डी के नहीं बने होते दांत सब जी, ये सब सिंथेटिक मटेरियल के बने होते हैं जी। जैसे निकालने बाहर करने वाले एक्रेलिक के बने होते हैं जी। और ये जो FAD है, ये सिरेमिक, जिरकोनिया, ये सब सिंथेटिक मटेरियल होता है, इसमें हड्डी वड्डी के कुछ अवशेष नहीं पाए जाते। चार दांत का खर्चा बता दीजिए जो अच्छी किस्म के दांत है, जिसे निकालने वाला नहीं हमेशा के लिए लगा रहे जी जी। अगर उसमें FAD में जाएंगे, फिक्स पार्सल डेंचर में जाएंगे, PF50 जी, तो उसका खर्चा लगभग आएगा आजू बाजू का सपोर्ट लेके टोटल 6 मिनट बन जाएंगे, मतलब जो सपोर्ट है वो भी उसमें गिनती होता है जी, तो लगभग आपका 8-9 हज़ार रुपया खर्चे में हो जाएगा जी। तो जिसे चार दांत लगवानी है तो कम से कम यहाँ हो जाएगा जो कि 8-9 हज़ार रुपये में फिक्स हो जाएगा, और निकालने बाहर करने वाले आपका 1200-1300 रुपये में हो जाएगा। तो जो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं, और सर जी डॉक्टर विपिन मौर्या जी का भी चैनल पे जाइए, इनका भी चैनल ओपन हो चुका है, जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करिए। और सर जी हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे चैनल के बारे में जी? तो बोल दीजिए व्यूवर्स को कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर मतलब सारी सुविधाएं जो हैं काफ़ी मतलब कि कम कीमत में उपलब्ध है, मतलब सारी सुविधाएं उसी कीमत में जी। चार्जेस वगैरह सब मतलब हर लेवल के लोग एफर्ट कर सकते हैं, चार्जेस वगैरह ज़्यादा नहीं है किसी भी इलाज के। तो हम देख लीजिए दोस्तों का ये सब कुछ हम जान चुके हैं, जो हमारी वीडियो के माध्यम से देख के यहाँ पर आएंगे, हम डॉक्टर का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन लिंक पे अपने डाल देंगे। अब हम इतना ही कहते हैं दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।